दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जी आगामी लोकसभा चुनाव से नगीना से जीत कर आए हैं। सदन के अंदर जो लगातार अपनी जो भी मुद्दे थे बहुजनों के, उन्होंने तमाम मुद्दे, लगभग 25 मुद्दे पर उन्होंने बात की थी। उसके बाद लगातार चंद्रशेखर आजाद जी जो भी बहुजनों के जो भी दिक्कत और है, उन तमाम मसले के लेकर लगातार दिन पर दिन पत्र लिख रहे हैं। 9 जुलाई के दिन उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री योगी जी के एक खत लिखे थे 69,000 शिक्षक घोटाले मामले पर। 10 जुलाई को उन्होंने एक और पत्र लिखे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के, आज उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं उस पत्र के माध्यम से। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई थी, वह 2023 में आई थी 27 दिसंबर को, और उसका अंतिम अंतिम डेट था, तारीख 16 जनवरी थी। लेकिन इन में 60,000 टोटल पदे थी, मतलब 60,000 से कुछ थोड़ा ज़्यादा थी, लेकिन यह पेपर लीक हो जाते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इसको परीक्षा को 6 महीने के अंदर ली जाएगी, लेकिन आज 6 महीने से ऊपर हो जाती है। फिर भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो 60,000 से ज़्यादा है उसको नहीं लिया जाता है। लोकसभा चुनाव भी खत्म हो चुका है, और नीचे पत्र में ये भी लिखे हैं चंद्रशेखर जी, जो केवल चुनावी लाभ लेने के लिए उन्होंने 84 लाख परिवारों के साथ धोखाधड़ी किए हैं, क्योंकि चुनाव तो अप्रैल में स्टार्ट हो गई थी और 4 जून की रिजल्ट आ गई थी, और 6 महीना से ऊपर हो गई है, जबकि 24 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 6 महीने के अंदर ही उत्तर प्रदेश पुलिस का परीक्षा फैंसी होगी या वैकेंसी आएगी। लेकिन 6 महीने से ऊपर बीतने के बाद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक पत्र लिखे हैं। अब आते हैं SC ST और OBC के, उस वैकेंसी में कितने पद थे। अगर बात करें तो OBC के लगभग 16,264 पदे थी, SC के लिए 12,685 पदे थी, ST के लिए 12,004 पदे थी। तो अगर इतना ढेर सारी अगर नौकरियां मिलती, चाहे जो भी 60,000 कुछ पदे आई थी, लगभग देश की कुछ हालात तो जो युवा है उसको तो राहत मिलती, उसको साथ साथ उनके जीने वाले परिवार लोगों को भी राहत मिलती। तो इसी पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी को एक बार पुनः फिर याद दिलाए हैं कि आप इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द कर लीजिए, नहीं तो लोगों समझेगा कि केवल आपने इस वादे किए थे चुनाव जो हुआ है आगामी लोकसभा इसके लाभ लेने के लिए ही आपने इस वादे किए हैं। आप वीडियो को देखिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।